भारत के अलग अलग राज्यों में फंसे झारखंड के छात्र छात्राओं मजदूरों के लिए हेमंत सरकार ने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है। भारत सरकार से मिली स्वीकृति के बाद अब प्रवासी मजदूर एवं छात्रों का उनके गृह राज्य झारखंड लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। अन्य राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों के लिए नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। लॉकडाउन में झारखंड सरकार का यह पहल प्रवासी मजदूरों और छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। झारखंडी भाइयों एवं बहनों, छात्र छात्राएं, सबको मेरा जोहार। भारत सरकार ने आप सब लोगों को वापस झारखंड में आने की अनुमति दे दी। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको कैसे झारखंड में। हमने छात्र छात्राओं के लिए, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली और मजदूरों को लाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। आप सुनेंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, अन्य चैनल सूचना तंत्र के माध्यम से कि झारखंड ने जो लगातार हमारे बाहर फंसे हुए झारखंडियों के बारे में केंद्र सरकार के साथ हम लोग आपको यहाँ लाने की मांग कर रहे थे, अंतोगत्वा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आप सकुशल सुरक्षित झारखंड लेंगे।